हाय फ्रेंड्स, किरण्स किचन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलाई मालपुआ रबड़ी, जो काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होगी। और तीज भी आ रही है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और इसे बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो चलो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मालपुआ की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 किलो मलाई वाला दूध ले लिया है एक बड़ी कढ़ाई में। अब इस दूध को हम बीच बीच में चलाकर मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से काढ़ लेंगे ताकि इसकी रबड़ी तैयार हो जाए। और ये जो बीच बीच में मलाई बन रही है ये भी इसी में डिसॉल्व करते रहेंगे। और आपको इसे लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच बीच में आप चला सकते हैं इसे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से काढ़ लिया है। अब ये काफ़ी हद तक रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में बस हमने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच चीनी डाल दी है, और इतनी चीनी इसके लिए काफ़ी है। अब बस चीनी डालने के बाद इसे कम से कम 5 मिनट और पका लेंगे। उसके बाद इसे उतार के एक साइड पर रख देंगे, और रखे रखे ये काफ़ी गाढ़ी भी हो जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। अब हम मालपुआ का बैटर रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप सूजी ली है, जो मोटी वाली सूजी होती है वो यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और 1/2 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है, और 1/4 कप के करीब यहाँ पर फ्रेश मलाई डाल देंगे। 2 चम्मच चीनी डाल देंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के साथ घोलते हुए इसका बैटर बना लेंगे। ये देखिए, मैंने 1/4 कप दूध डाल के ये बैटर रेडी कर लिया है। अब इस बैटर को हम अच्छे से रेस्ट करवाएंगे ताकि मालपुआ काफ़ी सॉफ्ट और फूले हुए बन के तैयार हो। बाद में हमें दूध डालने की ज़रूरत फिर से पड़ेगी, क्योंकि सूजी दूध को अब्सॉर्ब कर लेगी। तो चलिए इसे रेस्ट करने के लिए इसे ढक के एक साइड पर रख देते हैं तकरीबन 1/2 घंटा के लिए। जब तक मालपुआ का बैटर रेस्ट कर रहा है, तब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 गिलास चीनी ली है, और 1/2 गिलास पानी ले लिया है, यानी चीनी का बिल्कुल हाफ क्वांटिटी मैंने पानी लिया है। अब ये शुगर सिरप हमें एक तार होने तक पकाना है, जब तक ये एक तार का नहीं बन जाता, यानी जब इसमें उबाल आ जाएगा तो आपको इसे कम से कम 5 से 7 मिनट और पका लेना है। चाशनी में अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए 2 से 3 हरी इलायची कूट कर डाल देती हूँ, इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये देखो, इसमें उबाल आ चुका है। अब फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे, और इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखो, ये चाशनी तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे भी एक साइड पर रख देते हैं। तो ये देखिए, हमारे बैटर ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, और जो दूध है वो अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हम और दूध डाल के इसकी कंसिस्टेंसी सही कर लेंगे। दूध आपको थोड़ा थोड़ा डालकर ही मिलाना है। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब ये बैटर तैयार है, तो चलिए मालपुए बनाते हैं। मालपुए बनाने के लिए मैंने इस तरह के फ्लैट बर्तन में घी पहले से ही गर्म होने रख दिया था। अब ये घी गर्म है, तो साथ के साथ मैं करछे की मदद से हम इस बैटर को डाल देंगे। और फ्लेम आपको यहाँ पर लो रखना है, यानी बिल्कुल कम कर देना है। लो आंच पर ही इसे पकाना है। जब इसकी एक साइड पक जाएगी तब इसको हम पलट लेंगे, और इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी पका लूँगी। इसका हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे हम पका लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड पक के तैयार हो चुके हैं। इसे इसमें से निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आपके मालपुए बनके तैयार होंगे, उसको साथ के साथ आप चाशनी में डाल देना, ताकि अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब कर ले कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। और चाशनी आपके यहाँ पर हल्की सी गर्म होनी चाहिए। मलाई मालपुआ रबड़ी तैयार हो चुकी है, काफ़ी टेस्टी बनके तैयार हुई है। कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको इसी तरह के एक नए वीडियो में।